नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। दोस्तों, अगर आप भी अपने बड़े वजन के कारण बहुत परेशान रहते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, फिटनेस रूटीन फॉलो करते करते थक गए हैं और आपके मन में अब ये बात आ गई है कि भैया अब तो हमसे ना हो पाएगा, तो दोस्तों ठहरिए, यहाँ पर हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने सिर्फ 8 महीने में अपना 46 किलो वजन कम कर लिया और बन गए हम सब के लिए मिसाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के DCP जितेंद्र मणि की, जो आजकल चर्चाओं में हैं। पहले DCP जितेंद्र मणि का वजन था 130 किलो। जी हाँ, सुनने में भी बेहद डरावना। वो अक्सर अपनी ह्यूज बॉडी के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उनका वजन 130 किलो से घटके 84 किलो हो गया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे DCP साहब ने अपना वजन घटाया, आखिर क्या ऐसा रूटीन फॉलो किया जिससे वो 130 से सीधा 84 किलो पर आ गए। दोस्तों, आपको पता है मोटापा जो होता है वो कितनी बीमारियों का जड़ होता है। यही कुछ DCP साहब के साथ हुआ। उनको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों ने घेर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और अपने लाइफस्टाइल में एक बड़ा बदलाव किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी डाइट को चेंज किया। रोटियां और चावल, जिसमें हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, उन्होंने वो बिल्कुल बंद कर दिए। इसके बदले उन्होंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया फ्रूट्स को, सूप को, सैलड को, ड्राई फ्रूट्स को। आपको बताते दोस्तों, वो ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाते थे और इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते थे। लंच में वो अपना खाना खाने से पहले बहुत सारा सलाद खाते थे, जिससे उनकी भूख घट जाए और वो खाना कम खाए। और खाने में भी वो सिर्फ अरहर की दाल और सौटे करी हुई हरी सब्जियां लेते थे। डिनर हमेशा वो शाम को 7 बजे करते। डिनर में वो सूप, सैलेड और सौटे सब्जियां लेते थे। दोस्तों, यही वो डाइट है जिससे उन्होंने 8 महीने में अपना 46 किलो वजन कम किया। अगर उनके वर्कआउट की बात करें तो वो डेली, आपको यकीन नहीं होगा, 15,000 कदम चलते थे। उन्होंने अपना टारगेट बना लिया था कि भाई हर रोज 15,000 कदम चलना है और महीने में 4.5 लाख कदम चलना है। दोस्तों, अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, जिम जाना पसंद नहीं है, तो आप डेली वॉकिंग कर सकते हैं। या तो आप कोई टारगेट टाइम ले लीजिए कि आपको 1 घंटा वॉक करना है, या फिर टारगेट स्टेप्स ले लीजिए कि आपको रोजाना इतने कदम चलना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप रोजाना 30 मिनट की वॉक करते हैं तो इससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है, साथ ही कैलोरीज तो बर्न होती ही है, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है और जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो मजबूत होते हैं। अगर आपको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो उसके लेवल को कम करने में वॉकिंग से काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आपका डाइजेशन अगर कमज़ोर रहता है या गड़बड़ रहता है, अगर आप रोज़ाना 30 मिनट की वॉक करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रही हैं तो वॉक करने से या कोई भी रूटीन फॉलो करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे DCP साहब ने 46 किलो वज़न घटाया और 130 से सीधा 84 किलो पर आ गए। यही है उनका फिटनेस रूटीन। अगर आप भी उनसे मोटिवेट हुए हैं, वैसे तो वो हम सब के लिए मोटिवेशनल हैं, लेकिन अगर आप उनसे मोटिवेट हुए हैं और आप भी अपना वज़न कम करने की दौड़ में हैं और थक गए हैं, तो आप उनसे सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।